ये धुआं आप देख सकते हैं ऊपर, अभी पिछले आधे घंटे से आग लगी है। स्मोक टीम वाले पहुंच गए हैं, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। इधर की करना किसी ने, आग लगी, लोग नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजें जो है ना, जो वो है ना, गाड़ियों की सीटें वगैरह होगी। मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन अब शेक इतना है कि हमें वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा। यहाँ पे रेस्क्यू के दफ्तर में कोई गाड़ी ही मौजूद नहीं है आग बुझाने वाली। हमारी जो इतनी मेहनत है कि हम सर्विलेंस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियों को रोक रहे हैं, बच्चों को रोक रहे हैं, गाड़ियों को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये हमारी सारी मेहनत पे जो है वो पानी फेरने वाली बात है। MYK न्यूज की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। रायवेंड रोड के अभी ऊपर हम मौजूद हैं, ये पाजियां गांव है, और यहां पे हम आपको दिखाते हैं कि ये जो देख सकते हैं आप, इतना ज्यादा ब्लैक और इतना जो, हाँ जी चाचू को जिलानिया करीब कचरा है, उसको जो ना आग लगा रखी है किसी ने लगाई है, अल्लाह जानते किसी ने लगाई है, हम तो नमाज पढ़ रहे सी इधर है वो परली नु कर दे किसी ने। ये आपके अंडर में आती जगह जहां पे आग लगी वो किसी दा ये दा प्लाट खाली है, कचरा पिया सी ते वो कबाड़िया छोड़ गया उधर चले गए, ये कचरा पिया सी ते किसी ने आग लगाई है। आपको कितना खतरनाक धुआं है, बहुत खतरनाक, बहुत गंदा। इसके आगे घर है, इसके आगे ना घर है, वो घर वाले मेरा ख्याल है, नहीं मैं इधर से गुजर रहा था अभी, 1122 को कॉल की है तो उन्होंने को वीडियो कॉल करके हमने दिखाई है, 1122 वालों ने अपना नंबर शेयर किया है, मैंने वीडियो कॉल करके दिखाई है कि आग बहुत ज़्यादा फैल रही है, और परली साइड पर जो घर है वो घर वाले घर नहीं है, लेकिन उनका नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये तो स्मोक का बाइस बन रही है, तो इतना खतरनाक, आपको पता है शहर लाहौर पहली स्मोक की लपेट में आया हुआ है, और ये सारा उधर ही जा रही है। आप देखें कि पिछले आधे घंटे से आग लगी है, स्मोक टीम वाले पहुंच गए हैं, फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। स्मोक टीम वाले आए हैं, वो आप नाजरीन स्मोक टीम वाले जो हैं यहाँ पे पहुंच सकते इतने, भाई किसी ने आना कैंडा हो गया, अग लगी फोन किते ने, कोई बंदा नहीं आ रहा, आ स्मोक वाले आखले ने, उन्होंने गल नहीं सुनते, वीडियो बना रहे ने, इतने की करना किसी ने, अग लगी लोग नुकसान हो रहा है, कोई बंदा नहीं आ रहा। रेस्क्यू का दफ्तर वो सामने है, बिल्कुल सामने है, वो भी देख के नहीं आ रहा इधर। चलो जी देखते हैं, अभी तक कोई जानी नुकसान तो नहीं ना हुआ, जानी नुकसान तो अभी तक यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन ये देख सकते हैं कि नाजरीन इस टाइम जो ये धुएँ की जो कंडीशन है वो आपको दिखा रहे हैं। स्मोक की टीम यहाँ पे आ चुकी है, कब से ये आग लगी हुई है, ये कम तो कम ये एक घंटा हो गया, ये भाई इधर ही होते हैं। हाँ जी, मैं नमाज पढ़ रहा था जब ये आग जली है। किसने आग लगाई? आग ये खुद ही लगी है, शायद उधर सोसाइटी से लगी, खुद नहीं सोसाइटी से किसी ने फेंका कोई चीज, ये कचरा इधर पड़ा होता, कचरे में आग लग गई है, वो कबाड़िए का कोई सामान पड़ा हुआ, कबाड़िए भी इधर नहीं है, तो ये घंटा आ गया। 1122 को भी कॉल की है, 15 भी कॉल की, कोई हमला नहीं अभी तक पहुँचा, एक घंटे के करीब होने वाला असर टाइम हमने कॉल की है, 4:45 हो गए। चलो जी आगे भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? स्मोक टीम से आप हैं ये? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मामला? ये हमने भी रास्ते से गुजरते, हम भी सर्विलेंस में थे, देखा है यहाँ आग लगी है। अब ये थोड़ा सा लोगों को भी ख्याल करना चाहिए, जो ऐसे कोई माचिस की तीली या जानबूझ के कूड़े किरकट को या कोई स्क्रैप है उसको आग लगा देते हैं। अब आजकल जाहिर बात है एक स्मोक, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अभी ये देख सकते हैं 1122 को हमने कॉल की है, आपने भी की, लोगों ने भी की है, काफी उनका इंतजार है ताकि वो आए और इसको बुझाएं, क्योंकि वैसे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा सर, आपने रीड करना है, ये आपको किसने भेजी है? हमने की है ना, हमने की है, और आपने आगे प्रोग्रेस सेंड किया है कि हमने मौके पे आग देखी और रेस्क्यू को कॉल किया, इससे पहले लोगों ने भी काफी कॉल की, अभी तक आधा पौना घंटा हो गया। मेरा ख्याल है दोबारा कॉल के, वो कह रहे रस्ते में है, थोड़ी दूर थे वो, लेकिन उन्हीं का इंतजार है, सारी बात है वो आएंगे तो फिर ही बुझेगी। गाड़ी एक ही, अब तो रेस्क्यू को पता, लेकिन आपने क्या रिपोर्ट यहाँ पे अभी तक की है? अभी तक तो कोई नहीं रिपोर्ट, ये बता रहे हैं दर्श वाले कि यहाँ पहले कोई स्क्रैप पड़ा हुआ था, वो वैसे ही उसको किसी ने आग लगा दी है, वो बंदा भी देखते हैं कोई ट्रेस। और ये इतना जो खतरनाक धुआं है, ये स्क्रैप का हो सकता है, किस चीज़ का? ये वहाँ पे जो खाली टाकियाँ इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं ना, वो उनका धुआं लग रहा है। तो सर ये जो इधर के करीबी हैं, ये उनको चाहिए ना कि ये कैसे आग लगी है, यहाँ के जो रहायशी हैं। हर बंदे की जिम्मेदारी है, सिर्फ अदारों की नहीं बल्कि हर एक बंदे की इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी है, वो इस तरह के जो नासर हैं उनको ट्रेस आउट करें कि कौन मतलब रस्ते में। अब गवर्नमेंट एक जगह पर तो रुक नहीं सकती है, पीछे भी एक छोटी थोड़ी आग लगी थी, उसको भी जो आके आए, अब यहाँ पर अगर इस हमने देखी आते हुए, हम तो आगे जा रहे थे तो रुक गए हैं यहाँ पर,
और फौरी तौर पे रेस्क्यू को कॉल की। चलें सर आगे चेक कर लें। हाँ करें करें आप चेक करें। भी आपको दिखाते हैं जी कि किस तरीके से यहाँ पे आग लगाई गई है और जो ये धुआं आप देख सकते हैं ऊपर, अभी ये स्मोक का बाइस है। आगे भी पता है आपको कि शहर लाहौर किस तरह लपेट में आ चुका है, लेकिन बताया जा रहा है कि जी किसी ने यहाँ पे शरारत की है, लेकिन ऐसी शरारत, यहाँ पे तो अच्छा खासा टेम्परेचर जो है ना फील हो रहा है। ये क्या है सामान? ये गंद पे है। किन्हें सुटे है गंद? ये मालिक अरशद कराया जा रहा नहीं। की हैगा की है? ये गड्डिया च ओकड़े फॉर्मा जी लगदिया ने, और ने ये एसिया च फ्रिजन एसिया च कम होंदा ओ है। ओ हैगा ते बड़ा ते पेट्रोल ना भी ज्यादा तेज हैगा, खतरनाक हैगा। कैमरामैन जरा पैन करके ये दिखाइएगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, जो वो है ना गाड़ियों की सीटें वगैरह हो गई, और चीज़ें हैं जो फ्रिजों में जो फोम यूज़ होती है, ये वो है। और यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये कब से लगी हुई आग? कम से कम घंटा हो गया। किसने लगाई है? असर घंटा हो चलिया है। तो किसने लगाई है? खुद लगाई है आप लोगों ने? नहीं नहीं, हमें पता नहीं, नमाज पढ़ के निकले ने। ये देखे हम नमाज पढ़ कर निकले थे, 4:17 की बात है। ये देखे ठीक है, आग थोड़ी थी वहाँ से आ रही आग ना। ठीक है, ये मैंने वीडियो तभी बना ली थी। ठीक है, आग तब थोड़ी था। कॉल शोल की है अभी आप लोगों ने? कॉल आधा घंटा पहले भी की है तकरीबन, वो 3-4 मरतबा। वो यही कह रहे हैं कि 5 मिनट में। अब उनकी मुझे कॉल आई, वो कह रहे थे कि एक गाड़ी आ रही है गज्जू मते से और एक आ रही है मांगा मंडी से। वो कह रहे थे कि मांगा मंडी वाली जो गाड़ी आ रही है वो 5 मिनट में पहुँच जाएगी। तो ज़्यादा यहाँ पे शदीद टेम्परेचर है यहाँ तो हो ना। सर आप भी यहाँ पे मौजूद थे जब ये आग लगी है? सर यहाँ इधर इस साइड पे आ जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो नहीं खड़ा हुआ जा रहा। इधर से आपको ये नज़र भी आएगा, बिल्कुल आ रहा है सर नज़र। ये हम मस्जिद से नमाज पढ़ के असर की निकले हैं, तो वो कोने में उस तरफ से आग जो है ना वो, और उस वक्त भी आग के शोले ऊपर काला धुआं इसी तरह था, एकदम से आग लगी है। ये किसकी जगह? यहाँ पे नशे वगैरह तो नहीं बैठते? नशे वगैरह नहीं बैठते, ये उधर से बंद है, आगे से गेट इसका। ये पहले कबाड़खाना था यहाँ पे, वो कबाड़ी अब यहाँ से चले गए, ये स्क्रैप सामान उन्होंने। कब गए हैं कबाड़ी? उनको भी को 15-20 दिन हो गए हैं गए हुए यहाँ से। 15 दिन सामान यहीं पे छोड़ दिया। ये वो अपना जो उनके नई काम का था, नई बिकने वाला था, वो इधर ही फेंक के चले गए हैं। मेन अभी चीज ये आ रही है, ये देखे ना इसको जो आग लगी है कितनी तेजी से फैल रही है। इसको हम रेस्क्यू वालों को आधे घंटे से ज्यादा हो गया फोन कर रहे हैं, मुसलसल उन्हें कह रहे हैं कि आप आए, आग लगी हुई है, लेकिन वो हमें यही कह रहे हैं, बंदे भेज रहे हैं, गाड़ी भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं आई है। देखे आप वो पीछे वाला घर, उसका कितना नुकसान हुआ है। हाँ जी, वो रिहाइश है उस घर में, लोग हैं घर में मौजूद? नहीं है लोग, नहीं है, खाली हो गया वो। उस सोसाइटी की तरफ से उसका गेट है, यहाँ से नहीं है। तो ये सारी आग जो है ना यहाँ तक पहुँच गई है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं है बुझाने वाला। लेकिन अभी जो ज़्यादा यहाँ पे नुकसान ये नज़र आ रहा है शहर लाहौर और हर जगह पे, ये इसका जो धुआं है ना, हाँ जी, इतना ज़्यादा फैल चुका है। और बच्चों को पहले खांसी जुकाम बढ़ा है, कुछ भी है, पहले कंट्रोल नहीं हो रहा, और ये एक बड़ा जो हादसे का सबब बन रहा है। ये रायवेंड के अंदर अभी हम मौजूद हैं, ये कौन सी जगह ये है? पाजियाँ चौक में खानका अशरफिया जिलानिया है, जामिया मस्जिद अशरफुल मसाजिद है, उसके साथ बैक पे ये प्लाट है, उसमें ये काम हुआ है कबाड़खाने। अपनी मदद आपके तहत? हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, लेकिन अब सेक इतना है कि हमें वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ जा रहा, उस वजह से हम नहीं कर पा रहे इसको। ये पाइप से कितना हम पानी लगाएं, ये देखें ना, बंदे कभी हम बदलते हैं, कभी कोई खड़ा होता है, कभी कोई आता है, लेकिन ये इससे नहीं रुकती, ये आग जो है इस पानी से नहीं रुकनी। और सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, रेस्क्यू 112 को कॉल की है, कहाँ पे? चौक में दफ्तर है, यहाँ से 2 मिनट के फासले पे दफ्तर है, मेन पे पाजियाँ चौक में, हम पाजियाँ चौक में हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास कोई गाड़ी ही नहीं है। आप ये देखें कि पौना घंटा होने को आ गया, हमें अलमिया ये है कि अगर यहाँ पे कोई आग लग जाती है तो यहाँ पे रेस्क्यू के दफ्तर में कोई गाड़ी ही मौजूद नहीं है आग बुझाने वाली, और जो है इस इलाके के लोगों का क्या बनेगा अगर ये कोई आबादी हो, लोगों के घर जल जाएं, बच्चे जल जाए, मालो मता जल जाए, लेकिन रेस्क्यू का कोई बंदा अभी तक यहाँ पे नहीं आया। आग उस प्लाट के कोने से शुरू हुई है, ये 10 कनाल से ज़्यादा का रकबा है, और ये चलती हुई अब इस तरफ आ गई है। आप ये देखें कि उसने कितना बड़ा प्लाट कवर कर लिया आग ने, लेकिन अभी तक
कोई रेस्क्यू यहाँ तक नहीं पहुंचा। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे किसी घर के अंदर या किसी और जगह रिहाइश वाली जगह पे ये आग लगती तो फिर भी रेस्क्यू वाले का ये रिस्पॉन्स होना था कि भी हमारे पास गाड़ी नहीं है। ये चंद कदम पे चंद फासले पे बताया जा रहा है कि उनका जो है ना ऑफिस है, लेकिन अभी तक एक गाड़ी अवेलेबल नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? आग तो ये लग गई, ये पता नहीं किसने लगाई है, क्या मामला था, लेकिन ये धुआं जो है ना इस टाइम ये हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रहा है और आग जो है ना बड़ी शदीद तरीके से। सर क्या हुआ अभी तक कोई रिस्पांस नहीं गाड़ी का? हमने बता रहे हैं कि दो मिनट के फासले पे ये ऑफिस है इनका रेस्क्यू का। हाँ हमने कॉल की है, हमें तो यही बताया गया कि आ रही है गाड़ियाँ, कि जल्दी उनको कहा कि जल्दी जितनी जल्दी हो सकता है गाड़ियाँ भेजे, आग फैल रही है। इस वजह से अब बता रहे हैं कि साथ ही पीछे घर भी हैं ये। हाँ जी बिल्कुल, स्मोक एमरजेंसी वैसे भी नाफज है, कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ियाँ आ जाए, हम बार बार कॉल कर रहे हैं उनको। तो वीडियो शीडियो भेजी उनको? उनको वीडियो कह रहे हैं कि हमने भेजी है रेस्क्यू वालों को, वो लोगों ने भेजी है, हमने अपने ऑफिस भेजी है। ये किसने दिया नंबर? ये 112 टूर वालों ने। अच्छा ये कॉल की है, नया तरीका आ गया रेस्क्यू का, पहले हमें वीडियो बना के भेजे कितनी आग लगेगी फिर हम आके बुझाएंगे। तो नहीं है, ये लोग कह रहे हैं कि हमने भेजी है, वो उनका इंतज़ार है, वो आ जाएं तो ये थोड़ा काबू पाना आसान हो जाएगा। अब ऐसे इस तरह हमने करवाया तो है कि ये अपना पाइप लगा के, लेकिन इससे वो काबू में नहीं आएगी, वो बड़े प्रेशर का वो ही है ना, आग लग रही है प्रेशर के साथ, स्पंज है वो, तो वही है कि वो उससे ही बुझेगी, कि वो दो तीन गाड़ियाँ अगर आ जाएँ तो फौरी तौर पे इन पे जो है वो काबू। आपने बताया कि हम लोग ये हम तो एट द स्पॉट है, हमारी तो लोकेशन भी जा रही है, हमने तो अपने डिपार्टमेंट को भी बताया है कि यहाँ आग लगी है, क्योंकि तो हमारा इससे ये तल्लुक है कि थोड़ा जो ये धुआं निकल रहा है ना, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ख़राब कर रहा है। हमारी जो इतनी मेहनत है कि हम सर्विलेंस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियों को रोक रहे हैं, बच्चों को रोक रहे हैं, गाड़ियों को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये हमारी सारी मेहनत पे जो है वो पानी फेरने वाली बात है। तो ये देखे ना, ये इंडिविजुअली हर शहरी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यार एक कूड़ा क्रिकेट है, कोई कचरा है तो उसको ना आग लगाए, उसको LWMC को मुतलका अदारे को कहे भाई यहाँ पे कूड़ा है इसको उठा लो, वो ना उठाएं तो उनकी रिस्पांसिबिलिटी है। लेकिन आग लगा देना, राह चलते एक माचिस की तीली गिरा देना, शरारतन आग लगा देना, ये एक जुर्म है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई बंदा ट्रेस आउट हो हमें, लेकिन ये जो लोकल्स हैं इन्हीं के मुताबिक ये है कि जो बंदे यहाँ थे वो 10-15 दिन पहले चले गए थे, यहाँ पे सिर्फ कचरा वगैरह पड़ा हुआ था और आज किसी ने वो शरारत की है। सर ये जिसके अंडर में ये प्लाट आता है उस पर कोई FIR कुछ होगा? बंदा कौन सा जिसने आग लगाई है? तो बंदा तो बाद में ट्रेस आउट होगा, जब तक ये पता नहीं लगेगा कि ये प्लाट किसका है। आपका प्लाट है यहाँ पे, मैंने आपसे लिया रेंट पे कि मैंने यहाँ पे कबाड़ का काम करना है, आप मुझे जानते होंगे, पैसे ले होंगे तो फिर आप मुझे पकड़ेंगे ना। जब तक वो बंदा प्लाट वाला नहीं आएगा, नहीं तो ये खाली प्लाट है, मैं तो नहीं ना यहाँ पे आके कोई चीज रख सकता। क्या समझते हैं, पता करते हैं किसका ये प्लाट है, उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह देख रहे हैं जी। अभी अपनी मदद आपके तहत ही जो है ना इसको किया जा रहा है, और यकीन करें कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि इतने से पानी से सर क्या ये इस आग ने कंट्रोल होना है। इसने अब अपनी हर चीज़ को लपेट में ले लिया, लेकिन अभी तक एक चीज़ हो रहा है कि वो जो है ना घर है साथ, वहाँ पे रिहाइश है, पता नहीं अंदर लोगों को क्या टेम्परेचर फील हो रहा है। कोशिश करते हैं कि उस साइड पर देखने की कि वो लोग कहाँ पे हैं, कि किन के अंडर में ये घर है, क्या मामला है। और स्मोक को जो है ना, स्मोक की टीम यहाँ पे मौजूद है, और अभी जो हमारे जो रेस्क्यू वाले हैं उन्होंने अभी तक यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्या मामला है। ये लोग हैं जी, मौजूद तो हैं यहाँ पे, लेकिन इनसे अभी हम कैसे उन तक पहुँचा जाए कि बात की जाए। जी भाई ये किधर है घर, हैं घर के अंदर मौजूद हैं? हाँ जी घर के अंदर मौजूद हैं लोग हैं, तो ये कहाँ तक आगे आग गई हुई है देखी नहीं जा रही जी। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है और हमें रिस्ट्रिक्शन भी आ जाएगी कि आपने आग क्यों दिखाई है, ये सिर्फ हमें भी आपको एक शॉट दिखा रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन मेन जो आपको दिखा रहे हैं कि स्मोक का बाइस बन रही है ये चीज़, देखते हैं जी आगे की सूरत हाल। रेस्क्यू 112
यहाँ पे आके अपने जो क्या सफाइयाँ देते हैं, गाड़ी पंचर होगी, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, एक गाड़ी हमारे पास दो गाड़ियाँ हैं, और अगर यहाँ पे ऐसे मामला रहेंगे तो ये अगर किसी घर में आग लगी होती तो क्या रिस्पॉन्स देना था रेस्क्यू ने। मज़ीद आगे की भी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। लोगों का यहाँ जमे गफीर जो मौजूद है और स्मोक की टीमें जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं, वो अपनी जो कर रहे हैं कोशिश वो भी यही कर रहे हैं कि रेस्क्यू को जो है ना कॉल की जाए।